हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई एम फाइन सर, व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो फाइन बेटा। आज संस्कृत में हम सभी को पढ़ना है द्वादशा पाठा, पाठ 12। पाठ का नाम है दसवां तोमसी। दसवां मीन्स दसवें, तुम माने तुम, असमाने हो, दसवें तुम हो। इसमें कुछ बच्चे, 10 बच्चे हैं जो एक नदी में स्नान करने के लिए गए थे, और उसमें बच्चे मतलब नदी में स्नान करने के बाद क्या किए, बाहर निकले तो उनमें जो उनका नायक था, नायक मीन्स नेता, उसने कहा कि अब सभी को गिनो कि सभी आए हैं कि नहीं, मतलब नदी से निकलकर आए कि नहीं। तो उसमें सभी बच्चे क्या कर रहे थे, गिन रहे थे, मतलब बच्चों ने नायक पहले गिना, फिर कुछ बच्चे, दूसरे बच्चे ने गिना, तो गिन रहे थे। तो वो बच्चे क्या 10 थे, 9 ही आ रहे थे, क्योंकि वो अपने आप को नहीं गिन रहे थे। मतलब जैसे मैं गिन रहा हूँ या तुम आप गिन रहे हैं, तो सभी को गिनो और अपने आप को न गिनो। तो इसमें वैसे ही था, यही कहानी है। तो उसमें एक रागीर आता है, तो रागीर गिनता है, बताता है कि 10वें तुम हो, अपने आप को नहीं गिन रहे हो। तो बेटा ये कहानी इसको पढ़ते हैं, इसके बाद इस पर इसका शब्दार्थ हिंदी अनुवाद बताते हैं। बुक शेयर किया जा रहा है। बुक दिख गया होगा सभी को? नो सर। यस बेटा मैक। यस सर, सर दिखा। हंस आपको? सर दिख गया। इसमें देखिए पाठ का नाम ये द्वादशा पाठा, पाठ 12। पूरा दिख रहा है? यस सर। राइट का भी? यस सर। बेटा लिखना नहीं आपको, देखिए द्वादशा पाठा, पाठ द, पाठ द्वा माने दो और दशा मीन्स दस, दस और दो 12, 12 पाठ, पाठ मीन्स पाठ, पाठ 12। दसवा मीन्स दसवें, तो माने तुम, असमाने हो, दसवें तुम हो। इसमें देखिए एकदा दस बालका अस्नानाय नदीम अगच्छन्, ते नदी जले चिरम अस्नानम अकुर्वन्, ततः ते तीर्त्वा पारं गता, तदा तेषां नायिका पृच्छस्। अब सर्वे बालका नदीम उत्तीर्णाः, देखें, तदा कश्चित् बालका अगणयत्, एका द्वय त्रयः चत्वारः पञ्च षष्ठ सप्त अष्टो नौ इति, स्वं न अगणयति, अतः स उदत् नौ एव सन्ति, दसवा नास्ति, अपरापि बालका पुनः अन्यान बालकान अगणयति, तदा अपि नौ एव आसन, अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यद् दसवा नद्यां मग्ना, ते दुखिता तूष्णीम् अतिष्ठन्। दूसरे पेज पर तदा कच्चित्, आवाज किसको कट के जा रही है? अंश आपको सुनाई पड़ रहा, महक आपको? यस सर। तो प्रिया आपका भी? यस सर। वीडियो आपका प्रिया नहीं दिख रहा है, आपको आवाज नहीं सुनाई पड़ा होगा, आपका वीडियो नहीं दिख रहा, आप नेटवर्क में नहीं हो आज। तदा कच्चित् पथिका तत्र आगच्छति, सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत् बालकः, इस्माकं दुःखस्य कारणं किम्, बालका नाम नायिका अकथयत्, वयं 10 बालका स्नातुम् आगता, इदानीं 9 एव अस्म, 9 एव अस्मा, एका नद्यां मग्नः, पथिका तान अगणयति, तत्र 10 बालका एव आसन्, सा नायिकम् आदिशत्, त्वं बालकान् गणय, सा तु 9 बालकान् एव अगणयति, तदा पथिका अवदत् दसवा त्वम् असि इति, तत् श्रुत्वा परिष्ठा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। हंस आप पढ़िए। हंस
वीडियो आपको दिख रहा है ना? नहीं पढ़ना है, कोई बात नहीं, मैं क्या पढ़ू? यस सर, एक दस मौका स्नान नदी अगच्छन नदी जले जिरम स्नानम अपूर्वन तथा ते तित्वा पारं गता तदा तेषां नायिका अपृच्छत् अप सर्वे बालकः नदीम् उत्तीर्णः तदा कश्चित् बालका अग्नयत् एकः द्वो त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्टौ नौ इत स स्वं न अगणयत् अतः स अवदत् न एव सन्त दशमा न अपरा अप बालका पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत् तदा अप नौ एव आसन् अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमा नद्यां मग्ना ते दुःखिता तुषीम् अतिष्ठन् तदा कश्चित् पथिका तत्र अगच्छत् स तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत् बालका युष्माकं दुःखस्य कारणं किम् बालकाना नायिका अकथयत् वयं दश बालकः स्नातुम् आगतः इदानीं नौ एव अस्मा एका नदां मग्ना इत पथिका तान् अगणयत् तत् दश बालकः एव आसन् सा नायकम् आदिशत् तौ त्वं बालकान् गणय सा तु नव बालकान् एव अगणयत् तदा पथिका अवदत् दशमा त्वम् अशु इत तत् श्रुत्वा प्रहिष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। बहुत बढ़िया बेटा माइक, आपने पढ़ा, अंत का वीडियो नहीं दिख रहा है और प्रिया भी याद नहीं दिख रही, याद दी दोनों नेटवर्क नहीं। बहुत बढ़िया, देखिए इसमें शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ नीचे दिए गए हैं, इसको देख लीजिए, इसके बाद मैं बीच में बताता रहूंगा। इदानी मीन्स अब, एकदा माने एक बार, स्नाना नहाने के लिए, इसमें निर्मलम और शीतलम दिया गया। निर्मलम शीतलम आपके इस पाठ में नहीं आया, लेकिन निर्मलम मीन्स होता है साफ, शीतलम मीन्स ठंडा। तीर्थवा तैर कर, नायिका मीन्स नेता या नायक, चिरम मीन्स देर तक, उत्तीड़ा पार कर लिया, उत्तीड़ा मीन्स पार कर लिया। दूसरे पेज पर तदा माने तब, अग्नयत मीन्स बिना, स्नात्वा नहा कर, अपरा मीन्स दूसरा, पुनः माने फिर या दोबारा, आसन माने थे थी, नद्याम यहाँ पे दा और या है, नद्याम दा के नीचे ना दादा दा, नद्याम नदी में, तूषणीम मौन माने चुप या मौन, पथिका रागीर अस्नातुम स्नान के लिए या नहाने के लिए, मग्ना डूब गया, मग्ना मीन्स डूब गया, परिष्ठा आनंदित या प्रसन्न, श्रुत्वा मने सुनकर, इति इत शब्द कई बार इस पाठ में आया है, इत है जो उद्धरण की समाप्ति का सूचक अव्य, मतलब जो आपका चल रहा है उसमें लास्ट में इत आता है, उसका सूचक है, मतलब समाप्ति का सूचक है ये। इसमें देखें मैक आप जुड़े हो और दोनों बच्चे जुड़े थे, अंश और ये दोनों निकल गए बीच से। देखिए तदा माने, सॉरी बेटा ऊपर है ये, मैं दूसरे पेज का पढ़ा था। एकदा, एकदा माने एक बार, दस माने दस, बालका मीन्स बालक, स्नानाय स्नान के लिए, नदीम अगच्छन नदी पर गए, एक बार दस बालक नहाने के लिए या स्नान के लिए, नदीम अगच्छन नदी पर गए, ते नदी जले, ते माने
वे सब होता है, लेकिन ते नदी जले, उन सब ने, उन सब ने नदी जले, नदी के जल में, चिरम माने बहुत देर तक, चिरम मीन्स बहुत देर तक, स्नानम अपूर्वन, स्नान किया, वे सब या उन सब ने नदी जले, नदी के जल में चिरम स्नानम अपूर्वन, बहुत देर तक स्नान किया, चिरम माने बहुत देर तक, तथा तथा माने क्या होता है, इसके ते तीर्थवा पारंगता, तथा ते तीर्थवा पारंगता, इसके पश्चात तीर्थवा पारंगता, वे सब ते माने वे सब तैर कर पारंगता पार गए, मतलब वे सब तैर कर पार गए, कहाँ गए, नदी के पार, मतलब नदी के पार गए, नदी से निकल गए, तदा तब तेसाम नायिका, उनके तेसाम माने उनके, नायिका मीन्स नायक या नेता, ने अपृच्छत पूछा, तब उनके नेता ने पूछा, अब सर्वे बालका, यहाँ देखिए अब माने भी होता है, लेकिन यहाँ पे प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए अब का अर्थ होगा क्या, यहाँ पे अब का अर्थ क्या क्या होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रश्न कौन पूछ रहा है, उनका नायक पूछ रहा है, इनका सभी बालकों का, तब तेसाम नायिका, तब उनके नायक ने अपृच्छत पूछा, आप ही सर्वे बालका, अभी बताए ना अब का अर्थ यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए अब का अर्थ है क्या, क्या सर्वे बालका, सभी बालक नदी मुतीरा, नदी को पार कर लिया, क्या सभी बालक बालकों ने नदी को पार कर लिया, इतना समझ में है बेटा? यस सर, यस सर, यस। तदा कच्चित बालका, तब कच्चित बालका, किसी बालक ने अगणयत गिना, तब किसी बालक ने गिना, एका द्वय त्रय चत्वारा पंच षष्ठ सप्त अष्टो नवीति, माने ऐसा, तब किसी बालक ने गिना, एका एक, द्वय दो, त्रय तीन, चत्वारा चार, पंच पांच, षष्ठ छः, सप्त सात, अष्टो आठ, नौ नौ, इति, ऐसा गिना, मतलब कैसा गिना, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ, ऐसा गिना, आठ नौ, स्वयं ना अगण्यत, सामान्य उसने, सामान्य हुआ होता, लेकिन यहाँ पे उसने आया, सह स्वयं ना अगण्यत, उसने स्वयं को ना अगण्यत, उसने स्वयं को नहीं गिना, अतः सा उदत, अतः सा उदत, उसने स्वयं को नहीं गिना, अतः सा अवदत, अतः वह बोला, नौ ए संत, नौ ही है, ए माने ही, नौ माने नौ, नौ ही संत माने है, अतः सा अवदत, अतः वह बोला, कौन बोला, जो गिन रहा था, जो बालक गिन रहा था, वह बोला, नौ ए संत, नौ ही है, दसवां नास्त, दसवां नहीं है, दसवां नास्त, दसवां नहीं है, अपरापि, अपरा अपि, दूसरे भी बालका बालक, पुनः अन्यान बालकान अगण्यत, पुनः मतलब दोबारा, अन्यान बालकान, अन्य बालकों को, अन्य सभी बालकों को क्या किया, बालकान अगण्यत, सभी बालकों को गिना, अपरा अपि, दूसरे भी बालक का, पुनः बालक ने, पुनः माने पुनः या दोबारा, अन्यान बालकान अगण्यत, अन्य सभी बालकों को क्या किया, गिना, तदा तब अपमाने भी, नौ ए आसन, नौ ही क्या है, तब भी नौ ही है, तब भी नौ ही बालक थे, आसन मीन्स थे, तब भी नौ ही बालक थे, तदा माने, तदा तब अपमाने भी, नौ नौ ए माने ही, आसन माने थे, तब भी नौ ही बालक थे, अतः अतः ते निश्चय, अतः ते निश्चय, उन्होंने निश्चय अपूर्वन किया, यत यत माने की, मतलब अतः उन्होंने निश्चय किया कि, या मान लिया कि, यत माने की, दसवां नद्या मग्ना, मग्ना माने डूब गया, दसवां नदिया नदी में, मग्ना नदी में डूब गया, ते दुखिता तोषणीम अतिष्ठत, वे दुखी होकर नदी में डूब गया, ते दुखिता तोषणीम अतिष्ठत, ते माने वे सब दुखी, दुखिता माने दुखी होकर, तूष्णीम अतिष्ठत, तूष्णीम मीन्स क्या बताए थे अभी, तूष्णीम मीन्स
मौन या चुपचाप, चुप हो गए। अतः वे सब दुखी होकर चुप हो गए, क्योंकि उन्होंने मान लिया कि दसवां बालक क्या है, नदी में डूब गया है। लेकिन वो डूबा नहीं था, क्योंकि वो अपने आप को नहीं गिन रहे थे। कोई भी बालक गिन रहा था तो वो सभी को गिन रहा था, लेकिन अपने आप को नहीं गिन रहा था। अगला देखें, इतना समझ में आया बेटा? यस सर। अब दूसरा देखें, दूसरे पेज पे। यस सर। तदा कच्चित पथिका तत्र आगच्छत्। तदा माने तब, कच्चित माने कोई, पथिका मीन्स राहगीर, तत्र माने वहां, आगच्छत मीन्स आया, तब कोई राहगीर वहां आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा पृच्छत्। सह बालकान, सह माने उसने, तान उन सभी बालकान बालकों को, दुखितान दृष्ट्वा दुखी देखकर, उन सभी बालकों को दुखी देखकर अपृच्छत पूछा, बालका हे बालक या हे बालको, इस्माकं दुखस कारणं किम्, तुम सब के दुखस कारणं किम्, तुम सबके दुख का कारण क्या है, तुम सबके दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायिका, बालकों के नायक, बालका नाम नायिका, बालकों के नायक या बालकों के नेता, अकथयत माने कहा, बालकों के नेता ने कहा। तब बालकों की नायक या बालकों की नेता ने कहा, वयम दस बालका नातुं गागता। वयम माने हम सब, वयम मीन्स हम सब, दस बालका, दस बालक, अश्नातुं आगता, स्नान के लिए, नहाने के लिए आए थे। हम सब दस बालक स्नान के लिए आए थे। इदानीं नौ एव अस्मि, इस समय, इदानीं माने इस समय, नौ एव अस्मि, नौ ही हैं, समय नौ ही है। एका नद्याम मग्ना इति, एक नदी में क्या किया, नदी में मग्ना माने डूब गया, एक नदी में डूब गया। इति ऐसा, पथिका तान अगण्यत, राहगीर, पथिका तान अगण्यत, राहगीर ने, तान माने उनको, अगण्यत माने गिना, तत दशा बालका एव आसन, तत माने वहां दस बालक ही थे, वहां दस बालक ही थे। तत्र दशा, तत्र दस बालका एव आसन, तत् माने वहां दस, दस मीन्स दस, बालका मीन्स बालक, ये माने ही, आसन मीन्स थे, वहां दस बालक ही थे। सा नायिकम आदिशत, वह माने उसने, नायिकम आदिशत, नायक को क्या किया, आदिशत आदेश दिया, किसने आदेश दिया, मतलब राहगीर ने, राहगीर ने नायिकम आदिशत, नायक को आदेश दिया, तुम बालकान गणे, तुम बालक, तुम बालकों को गिनो, तुम क्या करो, तुम बालकों को गिनो। सातु नौ बालकाने वगैरह, वह सामान्य वह या उसने, तो तू माने तो, उसने तो नौ बालकान, नौ बालकों को, ये माने ही, अगण्यत गिना, उसने तो नौ बालकों को ही गिना। तदा पथिका, तब राहगीर अवदत्त बोला, दसवां, दसवें या दस, त्वम असि, दसवें तुम हो, इत माने ऐसा, दसवें तुम हो ऐसा। तत्श्रुत्वा परिष्टा, या सुनकर, परिष्टा भूत्वा प्रसन्न होकर, सर्वे गृहम अगच्छत, सभी बालक घर गए। तत्श्रुत्वा, या सुनकर, परिष्टा भूत्वा, या सुनकर प्रसन्न होकर, सर्वे गृहम अगच्छत, सभी बालक घर गए। ये बेटा, ये जो पढ़ाया गया समझ में आया सभी को? Yes, sir. बस दो ही जुड़े हो। इसमें देखिए बेटा, शब्दार्थ बताया गया, बीच बीच में भी ये शब्दार्थ आपके नीचे दिए गए हैं, किताब में होगा। अब इसमें देखिए, अभी इसमें समय चर्चा हो जाए अभ्यास पर। इतना जो पढ़ाया गया बेटा समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. अंश सर आ गया। इसमें देखिए, अभ्यास में उच्चारण पुरुष, उच्चारण करना है आपको। मेरा फेस दिख रहा है बेटा सभी को? काला काला दिख रहा होगा ना? यस सर। यस सर, बहुत अंधेरा लग रहा है बेटा। सर बहुत अंधेरा लग रहा है। बहुत अंधेरा लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा है आज कमरे में, क्योंकि धूप बंद हो गया है ना। चलिए कोई बात नहीं बेटा, इसमें देखिए ये आपको क्या करना है, उच्चारण करना है। अभ्यासा में पुलिंगे, स्त्रीलिंगे, नपुंसक लिंगे, इसमें पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग दिया गया। देखिए इसमें आपके चार तक
एक दो तीन चार तक, इसमें आपके पुलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग होते हैं, लेकिन पांच से बेटा एक ही तरह होता है, स्त्रीलिंग भी वही, पुलिंग भी वही होगा, स्त्रीलिंग भी होगा और नपुंसक लिंग भी होगा होगा ऐसे। इसमें देखिए पंच एक ही तरह के सारे हैं, तो इसमें आपका चार तक बदलेगा। इसमें देखिए पुलिंग में एका एक, एका एक, एकम, एका एका एकम, इसमें देखिए परिवर्तन हुआ है ना दोनों में, तीनों में। इसमें यस सर, दो द्वे द्वे, देखिए दो द्वे द्वे, आपका स्त्रीलिंग नपुंसक एक ही तरह का है लेकिन पुलिंग अलग है। त्रयः त्रिशः त्रीणि, त्रयः पुलिंग चेंज है, आपका स्त्रीलिंग दूसरा है और नपुंसक लिंग अलग है, तो त्रयः त्रिशः त्रीणि, चत्वारः चतस्याः सॉरी चतस्य चत्वारि। अभी आप देखिए आगे पंच पंच पंच, षष्ठ षष्ठ षष्ठ, सप्त सप्त सप्त, अष्ट अष्ट अष्ट, नौ नौ नौ, दस दस दस, ये आपके हैं बेटा। अब इसमें देखिए प्रश्नानाम उत्तरा लिखकर प्रश्नों के उत्तर लिखे। कत बालका स्नानाय गच्छन्, कत माने कितने, बालका मीन्स बालक, स्नानाय नहाने के लिए, स्नान के लिए, अगच्छन मीन्स गए, कितने बालक स्नान के लिए गए, महक दश बालका स्नानाय अगच्छन्। बहुत बढ़िया बेटा, दस बालका स्नानाय अगच्छन्, दस बालका स्नानाय अगच्छन्, बहुत बढ़िया बेटा। खा देखें, ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, ते माने वे सब स्नानाय स्नान के लिए, कुत माने कहां, अगच्छन मीन्स गए, वे सब स्नान के लिए कहां गए, अंसा बताओ। ते स्नानम नदी आगच्छन, बेटा संस्कृत में बताइए, ते स्नानाय स्नानाय, ते स्नानाय नदी आगच्छन, नदीम आगच्छन, ते स्नानाय नदीम आगच्छन, ते स्नानाय नदीम आगच्छन, आगच्छन। चलिए बेटा बहुत बढ़िया, ते कम निश्चयम अकुर्वन्त, ते कम निश्चयम अकुर्वन्त, कम माने क्या, ते माने उन्होंने क्या निश्चय किया, उन्होंने क्या निश्चय किया, कौन मतलब जो बालक थे, उन्होंने जो बालक थे उन्होंने क्या निश्चय किया, मैं क्या बताओ, ते निश्चयम अकुर्वन् यत् दशमा नदा मग्ना। बहुत बढ़िया बेटा, ते निश्चयम अकुर्वन्, ते निश्चयम अकुर्वन् यत् दशमा नद्याम मग्ना, उन्होंने निश्चय किया कि यत माने की, यहाँ पे यत दशम, दसवां नद्याम मग्ना नदी में डूब गया, उन्होंने निश्चय किया कि दसवां बालक नदी में डूब गया। मार्गे का गच्छते, रास्ते से मार्गे का गच्छते, मार्ग में कौन आया, मार्ग पर कौन आया मतलब रास्ते पर कौन आया, चलो मैं आंसर बताओ, रास्ते में, चलिए मैं क्या बताओ, तब नहीं पता, मार्गे पथिका अगच्छत। बहुत बढ़िया बेटा, मार्गे पथिका अगच्छत, मार्ग पर राहगीर आया, पथिका की मौदत, राहगीर क्या बोला, राहगीर ने क्या बोला, अंश बताओ बेटा, बताओगे नहीं बताओगे, चलिए मैं क्या बताओ, पथिका अवदत दसमा तुम अस इत। बहुत बढ़िया बेटा, पथिका अवदत, रागीर बोला आगे डैश, दसमा तुम असी, दसमा तुम अस, दस दसवें तुम हो, दसमा तुम अस दसवें तुम हो, बहुत बढ़िया। देखिए पहले का उत्तर, पहला प्रश्न है
कत बालका स्नानाय अगच्छन्, तो दस बालका स्नानाय अगच्छन्, इसका उत्तर होगा दस बालका स्नानाय अगच्छन्। खा है ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, तो यहाँ पे ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। ते कम निश्चयम अकुर्वन्त, ते निश्चयम अकुर्वन्त यत दसमा नद्याम मग्नः, मार्गे का अगच्छत, घा मार्गे का गच्छत, घा का उत्तर होगा मार्गे पथिका आगच्छति, अंगा पथिका की मौदत पथिका औदति, दसमा त्वम असि। इसमें देखिए बेटा, इसमें कह रहा कि शुद्ध कथना नाम समक्षम, सही मतलब आम या सही का निशान लगाना है आपको, मतलब जो शुद्ध कथन है, जो शुद्ध वाक्य है उनके सामने आपको सही का निशान लगाना है। अशुद्ध कथन नाम समक्षम, जो अशुद्ध वाक्य है, जो कथन है उनके सामने आपको क्रॉस मतलब गलत का निशान करना है। देखिए दस बाल का स्नान आया गच्छति, दस बालक नहाने के लिए स्नान के लिए अगच्छन गए, दस बालक स्नान के लिए गए। मैं आंसर बताओ सही गलत, आम है सही, सही आम, आम मीन सही। तो यहाँ पे आप करेंगे टिक, किसका करेंगे, सही का टिक करेंगे, ये वाला टिक, ठीक है बेटा। सर्वे वाटकायाम अब्रमन, सभी वाटकायाम अब्रमत, बगीचे में वाटका में घूमे, सभी वाटका में घूमे। मैं क्या बताओ, गलत है कि सही, गलत, मैं गलत, यस बेटा गलत है। तो यहाँ पे क्रॉस का निशान होगा ये वाला, क्योंकि सभी नहाने के लिए नदी पर गए थे। दूसरा देखें, ते वस्तुता नौ बालका एव आसन, वे वास्तव में, वे सब वास्तव में नौ ही बालक थे। मैं गलत, अंश अंश गलत, गलत है तो ना बताइए, ना माने नहीं, गलत ना माने नहीं, ना माने नहीं, आप ना आम बोलिए, और जब आपसे पूछा जाए तब बोलिए बेटा। यहाँ पे क्योंकि वे सब दस नौ ही नहीं थे, वे सब दस थे, तो यहाँ पे दिया गया थे वस्तुता, वे वास्तव में नौ, वे सब वास्तव में नौ बालका नौ ही, ये माने नौ बालक थे, वास्तव में वे नौ बालक ही थे, नहीं तो ना माने नहीं, यहाँ पे क्रॉस का निशान होगा ये वाला। बालका स्वयं ना अगण्यत, बालक स्वयं को ना अगण्यत नहीं गिन रहे थे। मैं सही, सही तो आपका आम, तो ये आपका सही का निशान होगा यहाँ पे। एका बालका नद्याम मग्ना, एक बालक नदी में डूब गया, आंसर बताओ ना, ना ना माने नहीं, ना क्योंकि कोई बालक नहीं डूबा था, वो अपने आप को नहीं गिन रहे थे, तो यहाँ पे क्रॉस का निशान होगा, अंगा में क्रॉस। तेज सुखिता तूषणीम अतिष्ठत, वे सुखी होकर बैठे थे, चुपचाप बैठे थे, वे सुखी होकर बैठे थे चुपचाप, वे सब सुखी होकर चुपचाप बैठे थे। मैं क्या बताओ, गलत, गलत है क्योंकि वे दुखी होकर चुपचाप बैठे थे, तो यहाँ पे क्रॉस का निशान होगा। को पथिका ना गच्छत, कोई भी रागी नहीं आया, आंसर बताओ ना, ना ना माने नहीं, क्योंकि गलत है, कोई भी रागी नहीं, रागी आया था, तो यहाँ पे क्रॉस का निशान होगा। इसमें देखिए, पहले में आपका सही का टिक होगा, दूसरे में क्रॉस का निशान गलत का निशान होगा, तीसरे में आपका गलत का निशान होगा, चौथे में आपका सही का निशान होगा, पांचवे अंगा में आपका गलत का निशान होगा, छा में आपका छठवां गलत का निशान होगा क्रॉस, छा में आपका सातवां है क्रॉस का निशान होगा गलत का। अब दूसरे पेज पे देखें, इसके बाद आपका जा, नायिका उदत, दसवां तोमासी थी, नायक नेता बोला, दसवां दसवें तोमासी तुम हो, इत माने ऐसा, दसवें तुम हो ऐसा, आंसर बताओ ना, ना क्योंकि नायक नहीं बोला था, रागीर ने पथिक ने बोला था, पथिका उदत बोला था, तो यहाँ पे क्रॉस का निशान होगा।
ते सर्वे पृष्ठा भूतवा गृह मगच्छन, वे सभी प्रसन्न होकर गृह मगच्छन घर को गए, वे सभी बालक प्रसन्न होकर घर को गए। मैं का बताओ सही। हाँ तो सही है बेटा, यहाँ पे सही का निशान करेंगे। अब देखें प्रश्न नंबर 4, मंजू साता शब्दान चित्वा रिक्त स्थानान पूर्यत, जो यहाँ पे पेटका दी गई, इन पेटका से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो रिक्त स्थान है उनको भरना है बेटा। ते बालका नद्या उत्तीड़ा, वे बाला वे सभी उन्होंने या उन सब बालकों ने नद्या मुतीड़ा नदी को पार किया, वे सब बालक या उन सभी बालकों ने नदी को पार किया। कैसे पार किया, आंसर आप बताओ क्या भरा जाएगा। मैं क्या बताओ, मैं यहां देखिए बेटा, गणित्व माने गिनकर, श्रुत्व माने सुनकर, दृष्टव माने देखकर, कित्व माने करके, गृहत्व माने ग्रहण करके लेकर, तीत्व माने तैर कर। तो उन्होंने नदी को कैसे पार किया था, तैर कर, तो यहाँ पे त्रित्वा भरा जाएगा। ते बालका त्रित्वा नद्या उत्तीड़ा, खामे पतिका बालकान दुखितान अपृच्छत, रागीर बालकों को दुखी देखकर, अपृच्छत माने पूछा, तो दुखी देखकर पूछा, तो दुखी की संस्कृत क्या है इसमें, दुखी दुखितान दृष्टवा अपृच्छत, दुखी देखकर पूछा, यहाँ पे दुखितान का दिया गया तो दुखी और दृष्टवा माने देखकर, अपृच्छत माने पूछा, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, दृष्टवा। पथिका बालकान दुखितान दृष्टवा पृच्छत, रागीर बालकों को दुखी देखकर पूछा, तो खामे दृष्टवा। खा देखें गा, पुस्तकान विद्यालय गच्छ, क्या भरा जाएगा, मैं का बताओ, पुस्तकान पुस्तके लेकर विद्यालय गच्छ, विद्यालय जाओ, या पुस्तके ग्रहण करके विद्यालय जाओ। माइक ऑन करके माइक, गृहीत्वा, बहुत बढ़िया बेटा, गृहीत्वा पुस्तकान गृहीत्वा विद्यालय गच्छ। घा पथिका स्वचनम सर्वे परमुदिता गृहम अगच्छन, पथिक के वचनों को, पथिक रागीर के बातों को सर्वे सभी परमुदिता प्रसन्न होकर गृहम अगच्छन, यहाँ पे क्या होगा, पथिक के वचनों को बातों को श्रुत्वा सुनकर सर्वे परमुदिता समी सभी आनंदित होकर खुशी होकर गृहम अगच्छन घर गए, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, श्रुत्वा, घामे श्रुत्वा पथिकस वचनम श्रुत्वा सर्वे परमुदिता गृहम अगच्छन। अंगमे पथिका बालकान अकथयत दसमा त्वमसि, पथिका बालकान पथिक बालकों से पथिक रागीर बालकों को गणित्वा गिनकर अकथयत बोला, दसमा त्वमस दसवें तुम हो, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, गणित्वा, अंगा में गणित्वा, पथिका बालकान गणित्वा अकथयत दसमा त्वमसि, चा में मोहना कार्यम गृहम गच्छस, मोहन कार को गृहम गच्छत घर जाता है, कर मोहन कार को करके गृहम गच्छत घर जाता है, तो यहाँ पे कृत्वा, कृत्वा माने करके, ठीक है। इसमें बेटा कामे आपका भरा गया, तीर्त्वा कामे दृष्ट्वा, गामे गृत्वा, घामे श्रुत्वा, अंगामे गणित्वा और चामे आपका कृत्वा, ये समझ में है बेटा सर। अब इसमें देखिए पांचवे में चित्रार्थ दृष्टवा संख्याम लिखत, चित्र को देखकर संख्या लिखना है आपको, चित्र में पहला है फुटबॉल, तो इसमें कितने संख्या है, आंसर आप बताओ, 8, तो 8 की संस्कृत क्या है, ठीक से बताओ बेटा, मैं क्या बताऊं सर, अष्ट अष्ट,
बेटा अंश आपको नहीं पता, अभी प्रश्न नंबर एक में ही बताया गया स्त्रीलिंग और पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की एक से दस तक की संस्कृत बताई गई आपको। एक से दस तक को संस्कृत में क्या कहते हैं? आपका एक से चार तक आपका अलग अलग होगा, पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग अलग अलग होगा, लेकिन पांच से दस तक आपका एक ही तरह होगा, पुलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग एक ही तरह होगा बेटा। यहाँ पे अष्ट कंदुकान, यहाँ आप देखिए चिड़िया है, चटका माने बहुत सी बहुवचन में है, तो इसमें चिड़िया क्या है, स्त्रीलिंग है पुलिंग है कि नपुंसकलिंग है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है ना, तो चिड़िया स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है तो यस सर। स्त्रीलिंग में तीन को क्या बोलते हैं मैं का बताओ? त्रिशा बेटा, तो यहाँ पे त्रिशा भरा जाएगा, त्रिशा चटका। अब ये आपकी पुस्तक जो है वो क्या है, नपुंसकलिंग है, तो यहाँ पे नपुंसकलिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकम पुस्तक, एकम एकम पुस्तक। अब यहाँ पे देखिए मयूरो दो मोर, मयूरो दो मोर, तो यहाँ पे देखिए दो मोर है ना, तो यस सर, यस सर, मोर जो है वो क्या है, पुलिंग है, पुलिंग है, मोर पुलिंग होता है, मोरनी स्त्रीलिंग होता है, यहाँ पे पुलिंग है, तो इसका पुलिंग की संस्कृत दो की संस्कृत क्या होगी, मैं क्या बताओ, दो दो दा और वा